हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड इन यूपीआई एड्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक फलतर आप सबके साथ में फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो म्यूचुअल फंड से जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड किस तरह खरीद सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो ला रहता हूँ जो आप सभी के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, म्यूचुअल फंड से जुड़े काफी वीडियो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं आपको पेटीएम मनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड खरीदने का तरीका बताऊंगा, और वो तरीका मैं आपको यूपीआई के माध्यम से बताऊंगा। जो आपने मेरे पहले वीडियो देखेंगे उसमें हमने फंड बैंक के माध्यम से परचेस किया था और उसी के माध्यम से हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, लेकिन पेटीएम मनी के अंदर एक ऐसा फीचर भी मौजूद है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट यूपीआई के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो और अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। पेटीएम मनी से जुड़े काफी वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ। पेटीएम मनी के जितने भी वीडियो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगे, आप यहाँ क्लिक करके मेरे पेटीएम मनी की वीडियो को देख सकते हैं और मेरे वीडियो देखने के बाद पेटीएम मनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब पेटीएम मनी लॉन्च हुआ था उस टाइम यूपीआई का ऑप्शन उसके अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन अब पेटीएम के अंदर यूपीआई का ऑप्शन ही मौजूद है, जिसके माध्यम से आप किसी भी फंड में निवेश कर सकते हो और अपनी इनकम को ग्रोथ होते हुए देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको सीधा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको पेटीएम मनी के अंदर उस यूपीआई ऑप्शन को दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ये हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं यहाँ से अपनी पेटीएम मनी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। पेटीएम मनी के अंदर अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, फंड्स किस तरह खरीदा जाता है, इसकी जानकारी मैं अपने पहले वीडियो में दे चुका हूँ। सभी वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने पेटीएम मनी एप्लीकेशन ओपन कर ली, और जैसे ही मैंने एप्लीकेशन ओपन करी ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूपीआई नाउ लाइव, यानी यूपीआई का ऑप्शन पेटीएम मनी के अंदर अनेबल हो चुका है। इसके माध्यम से आप किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि आप किस तरह यूपीआई का यूज पेटीएम मनी में कर सकते हो। हम फिलहाल किसी फंड में यहां निवेश कर लेते हैं, मैं आपको केवल एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं, मैं यहां निवेश नहीं करूंगा। सपोज करिए मुझे इसी फंड में निवेश करना है, तो मैंने इस फंड को यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं सीधा इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूंगा। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर ऑप्शन आते हैं एसआईपी और लमसम का, तो आप इसमें से किसी भी कैटेगरी को देखिए सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ इन्होंने एसआईपी दे रखी है, 500 रुपये मंथली के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लमसम करना चाहते हो तो कम से कम आपको यहाँ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ एसआईपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर आपकी अमाउंट होती है, ये आपकी अमाउंट है और ये आपकी डेट है, तो यहाँ से दोनों चीज़ सिलेक्ट हो रखी है। अब मैं सीधा देखिए प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करके देखिए हमारे सामने चार तरह के ऑप्शन आ चुके हैं, ऑटो पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो इन्होंने जो यूपीआई का ऑप्शन दिया है ये इसमें बिल्कुल नया ऑप्शन है। ये देखिए अभी हमें दो यूपीआई दिखा रहा है, एक आईसीआईसीआई बैंक की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। पेटीएम मनी के अंदर मैंने दो अकाउंट ऐड कर रखे हैं, इसलिए ये मुझे दो तरह की यूपीआई आईडी दिखा रहा है। तो पहले आपको अपना बैंक अकाउंट इसके अंदर ऐड करना होगा, जो बैंक अकाउंट आपका ऐड होगा उसी की यूपीआई ये आपको दिखाएगा, उसी के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए आईसीआईसीआई बैंक को रखा है, मैं सीधा यहाँ टिक मार्क पे क्लिक करूंगा तो प्रोसेस टू पेमेंट का यहाँ ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही मैं प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करूंगा वहां मुझे अपना यूपीआई पिन डालना होगा, यूपीआई पिन डालते ही मेरा इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आप यूपीआई के माध्यम से किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहें तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, आप चाहें तो डेबिट कार्ड के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो यूपीआई का ऑप्शन आया ये बिल्कुल नया ऑप्शन आया है, काफी लोगों का इसका इंतजार था। तो पेटीएम मनी ने इस फीचर्स को अनेबल कर दिया, आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही आराम से पेटीएम मनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिन लोगों को पेटीएम मनी के अंदर यूपीआई फीचर्स का इंतजार था तो उनके लिए ये फीचर्स पेटीएम मनी के अंदर अवेलेबल हो चुका है। आप बहुत ही आराम से इस फीचर्स का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। अगर आपको
पेटीएम मनी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं आपकी पेटीएम मनी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।